पीलीभीत के पूरनपुर में जनसभा करने पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने सपा बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदल गई है, शिक्षा का विस्तार हुआ है, सब मिलकर बीजेपी को नहीं हरा पा रहे, सारे दल घबराए हुए हैं, किसानों के लिए काम किया हमने, करोड़ से ज्यादा लोगों को निजीकरण से नौकरियां दिलवाई हैं, 3 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं, हर घर में एक रोजगार, 15,000 करोड़ चीनी मिल के लिए, 1,57,000 करोड़ रुपए गन्ना भुगतान, तो वो आते हैं तो माफिया आता है, वसूली की पर्ची आती है, बीजेपी सबका साथ सबका विकास पर काम करती है, हमने भेदभाव नहीं किया, विपक्षी दल लोगों को भड़काते हैं, पहले तमंचे का कारखाना बनता था, अब ब्रह्मास्त्र बन रहे हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने बीजेपी के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। वो भारत की संस्कृति का प्रतिपादन नहीं कर सकते, इसलिए मैं कह रहा हूं गन्ने की 119 चीनी मिले थी, 119 की 119 चीनी मिले चली हमारे साथ सरकार में, 1,57,000 करोड़ रुपए का भुगतान हमारे शासनकाल में हुआ, सपा की सरकार में बसपा की सरकार में 29 चीनी मिले या तो बेच दी गई या बंद कर दी गई, हमारी सरकार में तो नहीं हुआ, जब तक गन्ना लोग लेकर आए तब तक उनकी खरीद हुई, ये परिवर्तन है। और यही परिवर्तन के लिए मैं कहना चाहता हूं, ये लड़ाएंगे, ये धर्म पर बोलेंगे, अपनी बी टीम लेकर आए, अब तो इनको उत्तर प्रदेश से मिल नहीं रहा है, अब इन्होंने बंगाल से बुलाया है, बंगाल से ममता दीदी आ गई, ममता लेकर, कौन सी ममता है, उनकी ममता उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति नहीं थी, ममता दीदी तो नंदीग्राम में बोल रही थी कि उत्तर प्रदेश के गुंडे, कि उत्तर प्रदेश के गुंडों को यहां से निकाल देना होगा, कि मसाला खाने वाले गुंडे और मवाली इनको यहां से भगाना होगा। समर में IMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सभी पार्टियों पर जमकर हमला बोला है, उनके निशाने पर जहां मोदी और बीजेपी रही तो वहीं सपा पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, ओवैसी ने बसपा को पागल हाथी कहकर संबोधित किया, वहीं खुद को मदारी बताते हुए बीजेपी को नचाने का दावा किया है। वहीं यूपी में भागीदारी संघर्ष मोर्चे की सरकार बनने पर बाबू सिंह कुशवाहा को सीएम, एक अल्पसंख्यक और 2 पिछड़ों को डिप्टी सीएम बनाने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर गोली चली, मैं मरने को तैयार हूं, आप इस लड़ाई को जारी रखो, मैं चला जाऊंगा, 1-2 नहीं हजारों लोग मेरी आवाज बनेंगे। उन्होंने कहा कि बिना डरे संभल में IMIM को वोट करिए, संभल में सिर्फ इकबाल महमूद का विकास हुआ है, अखिलेश से उन्होंने मंत्री पद मांगा, विकास नहीं मांगा। 10 फरवरी को फिर से संभल आने का भी ओवैसी ऐलान कर गए हैं। वहीं संभल के सराय रीतीन और कुद्दीन सराय में हुई ओवैसी की सभा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे, ASP भी फोर्स के साथ मौजूद थे। हमले के बाद ओवैसी का पहली बार संभल दौरा था। अगर तुम्हारे दिलों में इत्मीनान है तो हजारों का लश्कर आ जाए, अगर कोई एक खड़े होकर कहेगा अल्लाह अकबर, उस बच्ची ने होकर दिखाया, उस बच्ची ने होकर दिखाया, मैं सलाम करता हूं उसके हौसले को, अल्लाह उसके हौसले को और बुलंद करे, अल्लाह सुभाना व तआला उसी तरह हर बच्ची में जज्बा पैदा करे, अगर कोई हमारे किसी भी मजहब की बिरादरी की बच्ची हो तो बच्ची ठहर जाए अपने आप के लिए, ये हमारी लड़ाई है, इस लड़ाई को समझने की जरूरत है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गो, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि गोलियां चलेंगी हम पर और चलाई गई, मगर जब अल्लाह किसी को बचाना चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे साथ सालिम था हमारे साथ, यही संभल का नौजवान, 6.5 फीट से सालिमों ने गोलियां चलाई, अब ये समझा कि ओवैसी का काम तमाम कर दिए, मगर जालिमों को नहीं मालूम था, गोडसे की नाजायज औलाद को नहीं मालूम था, इबलीस के जानशीन को नहीं मालूम था, वक्त नमरूद की नाजायज औलाद को नहीं मालूम था, वक्त फिरौन के एजेंटों को नहीं मालूम था, वक्त अबू लहब को नहीं मालूम था, वक्त अबू जहल को नहीं मालूम था, और हमारे सफा में जब अब्दुल्ला इब्ने सबा के जाने सी रहे वो तो खुशियां मना रहे थे, मगर अल्लाह ने कहा आज इसका दिन नहीं है।
संभल के असमौली में बसपा प्रत्याशी रफतुल्लाह के जनसंपर्क में मिठाई की लूट मच गई। प्रोग्राम स्थल पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला असमौली थाना के गांव मदाला का बताया जा रहा है, जहां बसपा प्रत्याशी का जनसंपर्क और सभा हुई थी। आयोजकों ने वोटरों को लुभाने के लिए मिठाइयां बांटी, जिसकी जमकर लूट मच गई। इधर प्रोग्राम में उमड़ी भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइंस की भी धज्जियां उड़ा दी।